गाइस वेलकम अगेन इन योर YouTube चैनल इजी मैथ्स। गाइस आज का वीडियो स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। जी हां, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यस, आज लेकर आया हूं मैं यस बोर्ड मास। डू यू नो बोर्ड मास? तो सबसे पहले हम जानते हैं बोर्ड मास की फुल फॉर्म। बोर्ड मास यानी बी से बनेगा ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, सबसे छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को बोलते हैं, उसके बाद मिडिल को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। ओ से बन जाता है ऑफ, डी से डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इन सभी का प्रयोग करके हम बोर्ड मास का सॉल्यूशन करते हैं, यानी बोर्ड मास के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो गाइस आपके लिए है ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये है। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी चीज जो है इस क्वेश्चन में है। तो देखिए, सबसे पहले जो सॉल्व किया जाता है बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को चेक करेंगे। तो गाइस ये हमारे पास है ब्रैकेट, तो सबसे पहले इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है, बाकी एज इज ही लिखना है ताकि कोई गलती ना हो। तो देखिए, ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन, 4 डिवाइड और उसके बाद आ गया 2। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले ओपन करना है। तो देखिए, इस ब्रैकेट के लिए सबसे पहले ये आ गया ब्रैकेट, उसके बाद भी जो साइन है उनकी तरफ ध्यान देना है। अब देखिए, पोल के आगे कोई साइन नहीं है, वो प्लस है, प्लस एक हो गया और प्लस ये हो गया, दो प्लस के मतलब सबसे पहले इन दोनों में प्लस और माइनस है। देखिए माइनस, अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया? तो गाइस हमारे पास 4 और 3 हो गया 7, उसके बाद है -6 और ये ब्रैकेट बंद, फिर बच गया हमारे पास मल्टीप्लाई 2। उसके बाद अभी तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ पूरी तरह से, अब सॉल्व हो जाएगा। तो एक स्टेप और बचा हमारा, 4 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई। अब देखिए, ये सिंपली ही खत्म हो जाएगा, कैसे 7 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा सिंपल 1, ये ब्रैकेट खत्म हो गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मल्टीप्लाई और 2, ये 2 एज इज ही आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो साइन बचे हैं डिवाइड मल्टी मल्टी, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। देखिए डिवाइड, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है, 2 बचता है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई ये 1, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 2, अगर इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वन 2 और 2 टू द 4, ये आ गया 4। तो ये आ गया गाइस इसका आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन आपके लिए एक क्वेश्चन है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देन गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैथ को आसान बनाना सिखाया जाता है।